हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम सुबोध एंग्लो ओरिएंटल स्कूल देवगढ़ और आज हम क्लास सेवन्थ का चैप्टर नाइन्थ पढ़ेंगे, बाइसाइकिल ट्रिप। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले यह चैप्टर के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखा है, इसको देख लेते हैं। इफ़ यू विश टू गो ऑन अ लॉन्ग बाइसाइकिल राइड, द बाइसाइकिल शुड बी इन अ गुड कंडीशन। अगर आप कभी लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं अपनी बाइसाइकिल पे, साइकिल पे, तो आपकी जो साइकिल है वो हमेशा किस में होनी चाहिए, गुड कंडीशन में होनी चाहिए। उसके कुछ पार्ट्स ख़राब नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपकी जो राइड है वो ख़राब हो सकती है। इफ़ पॉसिबल एन एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरहॉल इट। अगर हो सके तो आप कोई एक्सपर्ट मैकेनिक जो होता है साइकिल का, उसको दिखा देनी चाहिए, ताकि अगर ख़राब भी होगी तो वो उसे एक बार रिपेयर कर देगा। बट वॉट हैपन्स इफ़ द मशीन हैज़ अ विल ऑफ इट्स ओन। लेकिन क्या होगा कि अगर मशीन की अपनी ही इच्छा हो ऐसी, एंड द मैकेनिक नोज नेक्स्ट टू नथिंग, और मैकेनिक को कुछ पता ही ना, उसने चेक कर लिया फिर भी कोई मिस्टेक नहीं लगी, लेकिन फिर भी अपनी ही इच्छा हो साइकिल की, तो एग्जैक्टली हम क्या पढ़ने वाले हैं, बाइसाइकिल की स्टोरी पढ़ने वाले हैं इसमें ना, कि उसका रिपेयर कैसे हुआ, उसकी कंडीशन क्या थी। तो उस स्टोरी किस पे बेस्ड है, हमारी बाइसाइकिल पे बेस्ड है। फर्स्ट जो पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे हम। अ मैन आई न्यू प्रपोज्ड वन इवनिंग वी शुड गो फॉर अ लॉन्ग बाइसाइकिल राइड टुगेदर ऑन द फॉलोइंग डे एंड आई अग्रीड। आई गोट अप अर्ली फॉर मी, आई मेड एन एफर्ट एंड वॉज प्लीज्ड विथ माई सेल्फ। He came half an hour late. I was waiting for him in the garden. It was a lovely day. He said, "That's a good looking machine of yours. How does it run?" The first paragraph हमारा देखिए क्या है। A man I knew, यानी ऐसा आदमी जिसे आप जानते हो ना, एक आदमी जिसे ये लड़का जानता है, proposed यानी उससे पूछा, asked। One evening we should go फॉर अ लॉन्ग बाइसाइकिल राइड। एक आदमी ने उस बच्चे से पूछा कि एक इवनिंग को हमें क्या जाना चाहिए, एक बाइसाइकिल राइड के लिए जाना चाहिए, टुगेदर साथ में, ऑन द फॉलोइंग डे, यानी कि नेक्स्ट फॉलोइंग डे, यानी कि जो नेक्स्ट आने वाला डे है उस दिन, टुमारो, तो हमें क्या जाना चाहिए, एक बाइसाइकिल राइड पर जाना चाहिए। और आई अग्रीड, मैंने भी हाँ बोल दी। आई गॉट अप अर्ली, मैं सुबह सुबह जल्दी उठा। फॉर मी, आई मेड एन एफर्ट एंड वॉज प्लीज्ड विथ माई सेल्फ। और वो अपने साथ ही खुश हो रहा था ना, क्योंकि लोग राइडिंग के लिए जा रहे थे, तो वो खुश था। ही केम हाफ एन आवर लेट, और वो जो व्यक्ति था, जो मैन था, वो कितने घंटे, आधे घंटे लेट आया। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन, वो बच्चा गार्डन में उसका वेट कर रहा था, लेकिन वो कितने घंटे, आधे घंटे लेट आया। इट वॉज अ लवली डे, बहुत ही सुहावना दिन था, लवली डे था। ही सेड, दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स। मशीन यहाँ किसके लिए यूज़ किया है, बाइसाइकिल के लिए, कि तुम्हारी जो बाइसाइकिल है वो बहुत ही गुड लुकिंग है, सुंदर है। हाउ डज इट रन, यानी कि कैसा चलती है ना। ओ लाइक मोस्ट ऑफ देम, आई आंसर्ड, इजीली इनफ इन द मॉर्निंग, गोज अ लिटिल स्टीफली आफ्टर लंच। तो जब इसने क्वेश्चन किया ना कि हाउ डज इट रन, तो उस बच्चे ने आंसर दिया, ओ लाइक मोस्ट ऑफ देम, यानी सभी जैसे चलती है, जैसे बाइसाइकिल सारी चलती है वैसे मेरी भी चलती है। ईजिली इनफ इन द मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह तो ईजिली चला लेते हैं हम लोग इसको। गोज अ लिटिल स्टीफली आफ्टर अ लंच। स्टीफली यानी हैवीली, थोड़ा सा लंच करने के बाद उसको चलाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, यानी आप खाली पेट चलाओगे तो ऑब्वियसली आपकी बाइसाइकिल आपसे अच्छी चलेगी, और लंच कर लेंगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपको चलाना। तो बोलता है कि जैसे सबकी चलती है वैसे मेरी बाइसाइकिल भी चलती है। ही कॉट होल्ड ऑफ इट बाई द फ्रंट व्हील एंड इट फ्रॉक एंड शुक इट वायलेंटली। फिर क्या किया उस आदमी ने, ही कॉट होल्ड, उसने जो उसका पहला साइकिल का जो ऐसे पहिए होते हैं ना, तो जो फर्स्ट पहिया था उसको क्या, व्हील को उसने पकड़ लिया, फ्रंट वाला व्हील जो था उसे पकड़ा उसने। एंड फ्रॉक यहाँ किसके लिए यूज़ किया है, एन इंस्ट्रूमेंट टू होल्ड व्हील इन प्लेस, यानी उस व्हील को होल्ड करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है। वायलेंटली यानी कि हिंसापूर्वक या वेरी हार्डली उसने, और उसको मतलब कि फर्स्ट व्हील को उसने बहुत हार्डली पकड़ा और उसको हिला दिया, शुक यानी हिलाना, उसको हिलाया ऐसे आगे वाली व्हील को पकड़ करके। आई सेड, डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट, वो उसने बोला, लड़के ने बोला कि ये मत करो, इससे क्या होगा, उसको दर्द होगा, यानी कि उसको ख़राब हो जाएगी, उसको हर्ट होगा, हर्ट यानी यहाँ दर्द नहीं है ना, मशीन है वो, तो उसको क्या दर्द होगा, लेकिन मतलब ख़राब हो जाएगी अगर तुम इस तरीके से हिलाओगे तो। आई डिड नॉट सी वाई ही शुड सेक इट, आई हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम। बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आदमी जो है उसकी इस तरीके से साइकिल को क्यों हिला रहा था आगे का पहिया पकड़ के, मैंने तो उसको कुछ भी नहीं किया। इट हैड
नॉट डन एनी थिंग टू हिम, यानी मैंने तो उसे कुछ भी नहीं किया. बिसाइड इफ इट वॉन्टेड शेकिंग आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट, अगर उन्हें शेक करना ही था, उन्हें हिलाना ही था फर्स्ट पहिया, तो मैं प्रॉपर पर्सन था, यानी मुझे ही अधिकार था कि मैं उस साइकिल का पहिया हिलाऊँ. आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड ही स्टार्टेड वैकलिंग माई डॉग. वैकलिंग यानी होता है बीटिंग या फिर स्ट्राइकिंग. फिर उसको क्या हुआ, आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड, यानी कि मुझे लगता है कि मुझे वो साइकिल का पहिया हिलाना चाहिए. ही स्टार्टेड, फिर उसने क्या स्टार्ट कर लिया, वैकिंग. वेकिंग यानी होता है पिटाई करना, किसकी, माई डॉग. उसने फिर उसके डॉग की पिटाई करना स्टार्ट कर दिया उस मैन ने. ही सेड दिस फ्रंट व्हील वोबल्स यानी क्या होता है, मूव अनस्टेडली फ्रॉम वन साइड टू साइड. फिर उसने क्या कर दिया, उसने कहा कि जो फ्रंट आपका जो व्हील है वो इधर उधर घूमता है, यानी कि वो टूट सकता है. आई सेड इट डजंट, इफ यू डोंट वोबल इट, इट डजंट वॉब. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वेबल, यानी कि वो बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो वेबल नहीं होती अगर तुम उसे नहीं हिलाओगे. वेबल यानी यहाँ पर मूवमेंट ही है ना, मतलब हिलती है थोड़ी थोड़ी, तो अगर तुम उसे मूव नहीं करोगे तो वो मूवमेंट उसका नहीं होगा. इनफैक्ट वो सही है, उसको वो वेबल नहीं होती, उसको तुम वॉबलिंग मत बुलाओ. ही सेड दिस इज डेंजरस, हैव यू गॉट अ हैमर. इसने बोला कि ये डेंजरस है, हैव यू गॉट अ हैमर, तुम्हारे पास हैमर है क्या सही करने के लिए. वो उस क्या करता है, उसकी वेबल कर रही है तो वो सोचता है कि मैं उसको सही कर दूँ, तो बोलता है कि क्या तुम्हारे पास हैमर है क्या. आदमी पूछ रहा है ना उस बच्चे से कि दिस इज़ डेंजरस, नहीं हम इस पे अगर लॉन्ग राइड पे जाएंगे और ये वेबल कर रही है, हिल रही है, तो शायद पहिया बाहर निकल सकता है, तुम गिर सकते हो. तो इट इज़ डेंजरस, कि दिस इज़ डेंजरस, हैव यू गॉट एन हैमर, क्या तुम्हारे पास कोई हैमर है, हैमर टूल है ना एक. आई ओट टू हैव बीन फेम बट आई थॉट दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस. फिर क्या होता है, फिर उसने सोचा कि शायद इनको इस बिज़नेस के बारे में, बिज़नेस कौन सा, यानी रिपेयरिंग के बारे में, बाईसाइकिल रिपेयरिंग के बारे में कुछ तो पता होगा. आई वेंट टू द टूल सेट टू शी व्हाट आई कुड फाइंड. फिर वो टूल शेड यानी टूल्स रखने की जहाँ जगह होगी वहाँ चला गया ढूंढने के लिए, टूल ढूंढने के लिए कि क्या उसे मिल जाए. व्हेन आई केम बैक ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड विद द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग. जब मैं वापस आया तो मैंने क्या देखा कि वो जो आदमी है, जो मैन है, वो ग्राउंड में बैठा है और उसने जो अपनी साइकिल का फ्रंट व्हील है उसको अपने लेग्स के बीच में पकड़ के रख रखा है. ही वॉज प्लेइंग विथ इट, और उसके साथ खेल रहा था. ट्विडलिंग इट राउंड बिटवीन हिज फिंगर्स, ट्विडलिंग यानी टर्निंग, ऐसे ऐसे घुमा रहा था अपने फिंगर से, उसमें जो पहिया था ना उसको ऐसे ऐसे घुमा रहा था, उससे खेल रहा था. I remnant of the machine was lying on the gravel path beside him. ये देखिए यहाँ पिक्चर भी दे रखी है, इस तरीके से वो बैठा है और वो इस मशीन से क्या कर रहा है, यानी कि उस फर्स्ट जो व्हील है, फ्रंट व्हील है, उसको घुमाते हुए खेल रहा है. और वो टूल्स लेने गया था, ये देखिए इसके हाथ में टूल्स भी हैं, कुछ रिपेयरिंग टूल्स लेने गया था. तो वो जब टूल लेके आ रहा था तो उसने देखा कि वो आदमी तो नीचे बैठकर क्या कर रहा है, उसकी साइकिल के फ्रंट पहिए से खेल रहा है. रिमेंडर होता है रिपेयरिंग पार्ट ऑफ द मशीन वॉज लाइंग ऑन द ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम. ग्रेवल यानी तो पथरीला जो पार्ट होता है ना, जहाँ बहुत सारे पाथ मेड ऑफ स्मॉल स्टोन्स, पत्थर से बना हुआ जो पाथ होता है. तो जो मशीन का पार्ट जो ठीक करना था वो तो किधर पड़ा हुआ था, वो पथरीले पत्थर के जो रास्ता था उस पर पड़ा हुआ था और वो उस व्हील से खेल रहा था. ही सेड इट लुक्स टू मी एज इफ ही As if the bearing were all wrong. फिर वो बोलता है it looks to me, यानी मुझे ऐसा लगता है as if the bearing जो है वो ball bearings, cycle का एक part होता है ना, round little balls used in bicycle wheels, छोटी छोटी balls होती है ना जो use की जाती हैं bicycle में, were all wrong, वो क्या है, गलत fit हुई हुई है, गलत जगह से place कर रखी है. I said Don't you trouble about it any more. You will make yourself tired. Let us put it back and get off. फिर वो बोलता है Don't you trouble about it any more. यानी कि तुम्हें ट्रबल करने की ज़रूरत नहीं है. You will make yourself tired. यानी तुम अपने आप को थका दोगे ये सारा काम करके. Let us put it back and get off. हम इसको सही रख देते हैं और खड़े हो जाते हैं, get off.
यदि वो लड़का उसे बोल रहा है कि तुम क्यों ट्रबल कर रहे हो, इतना रहने दो, इसको वापस सही रख दो और खड़े हो जाओ। नेक्स्ट देखिए क्या होता है। ही सेड वी मे एज वेल सी व्हाट इज़ द मैटर विथ इट। फिर वो बोलता है नहीं, हमें तो देखना चाहिए कि इसके साथ मैटर क्या है, मतलब क्यों ख़राब हो रही है, ऐसे क्यों वेबल कर रही है, हम इसको देखेंगे। नाउ इट इज़ आउट, अब तो हमने इसको निकाल ही दिया है, तो हम इसको पूरा देखेंगे कि क्यों ये वेबल कर रही है। ही टॉक्ड एज दो इट हैड ड्रॉप्ड आउट बाई एक्सीडेंट। वो तो ऐसे बात कर रहा था जैसे कि एक्सीडेंट हो गया और उससे वो बाहर आया, वो पार्ट्स तो उसी ने निकाले थे, पार्ट्स के वो एक्सीडेंट होके थोड़ी बाहर निकले थे। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही हैड अनस्क्रूड समथिंग समवेयर एंड आउट रोल्ड ऑल ओवर द पाथ सम डजन्स ऑफ सो लिटिल बॉल्स। जब तक कि मैं उसे बोलता, बिफोर आई कुड स्टॉप हिम, है ना, जब तक कि उसे मैं स्टॉप करता कि तुम रहने दो, उसको मत खोलो, इस अनस्क्रूड यानी उसे सारे ही जो पार्ट्स थे, समथिंग समवेयर, पूरे पार्ट्स जो है उसने खोलना स्टार्ट कर दिया था, और उसने आउट रोल्ड ऑल ओवर द पाथ, और सभी जगह उसने पूरे बिखेर दिए थे, पूरे रास्ते में उसने सारे जो पार्ट्स थे उसको खोल करके बिखेर दिए थे। पाथ ऑन डजन्स और सो लिटिल बोल्स, बहुत सारी चीज़ें जो पार्ट्स थी उसने अलग अलग कर दी थी। फिर वो बोलता है कैच मी ही शाउटेड कैच मी ही मस्ट नॉट लूज एनी ऑफ देम ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम। फिर वो बोलता है कि पकड़ो पकड़ो इन सब को, जो छोटे छोटे पार्ट्स थे वो बोला था तो नीचे गिर रहे थे, तो बच्चों को बोल रहा है पकड़ो पकड़ो इसमें से कोई भी पार्ट गुमना नहीं चाहिए, मतलब वो बहुत एक्साइटेड था उसे ठीक करने के लिए, उसको खोलने के लिए, सारा उसने खोल खोल के उस साइकिल के एक एक पार्ट अलग कर दिए थे। ही ट्रैवल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर देन फाउंड 16 ही सेड ही होप्ड वी हैड गॉट देम ऑल बिकॉज इफ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन आई पुट देम फॉर सेफ्टी इन माई हेड इट वॉज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू आई एडमिट। फिर उसने क्या किया, जैसे ही उसके पार्ट सारे खुल रहे थे और वो नीचे गिर रहे थे, ही ग्रेवल, ग्रेवल यानी होता है क्रेवल ऑन द ग्राउंड, यानी सिर नीचा करके उसको आधे घंटे तक, तो उसको घंटे भर तक क्या कर रहा है वो ढूंढ ही रहा है। ही फाउंड 16 पार्ट्स छोटे छोटे थे उसकी, छोटी छोटी बोल्स थी या कोई भी और जो पार्ट्स थे छोटे छोटे, वो सारे उसने निकाले। ही सेड ही होप्ड वी हैड गॉट देम ऑल, फिर उसने बोला कि शायद हमें सारे ही मिल गए हैं, बिकॉज इफ नॉट अगर नहीं मिले सारे इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन, अगर नहीं मिलेंगे तो हम उस मशीन को सही जोड़ नहीं पाएंगे, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो उसमें डिफरेंस नज़र आएगा। आई पुट देम फॉर सेफ्टी इन माई हेड, और मैंने उसे क्या क्या है सेफ्टी के लिए अपनी जो हेड है, अपनी टोपी है, उसके अंदर भर के रख दिया है। इट वॉज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू आई एडमिट, है ना, ये कोई सेंसिबल नहीं थी करने के लिए, मैं ये एडमिट करता हूँ। कंफरेंस चेक देखिए, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं इससे रिलेटेड। आई गॉट अप अर्ली फॉर मी इट इम्पल्स दैट ही वॉज एन अर्ली राइजर ही वॉज अ लेट राइजर ही गॉट अप लेट दैट मॉर्निंग। इसमें से आपको कौन सा राइट है, इस पर टिक करना है, किसकी मीनिंग, इसकी मीनिंग आई गॉट अप अर्ली फॉर मी, क्योंकि वो जल्दी नहीं उठता था और उस दिन उनको क्या जाना था, लॉन्ग राइड पे जाना था, तो इसलिए वो जल्दी उठा, तो ये इसके लिए क्या, इसका आंसर क्या होगा, ही वॉज अ लेट राइजर। नेक्स्ट देखिए, द बाईसाइकिल गोज ईजीली इनफ इन द मॉर्निंग एंड अ लिटिल स्टीफली आफ्टर लंच दैट रिमार्क इज, इसमें से देखिए जो बताया ना सेंटेंस, ये क्या रिमार्क करता है, ह्यूमरस, इनएक्यूरेट, साइकेटिक, इंजॉयबल और मीनिंगलेस। तो ये जो इसका जो हमारा आंसर है, ये आप है ना, मार्क योर चॉइस, है ना, आपको अपनी चॉइस मार्क करनी है कि कौन सा है, तो ये आप फर्स्ट वाला करेंगे, ह्यूमरस, है ना। और नेक्स्ट है, द फ्रेंड्स शुक द बाईसाइकिल वायलेंटली फाइंड टू और थ्री सेंटेंस इन द टेक्स्ट विच एक्सप्रेस द ऑथर्स डिस अप्रूवल ऑफ इट, यानी कि आप जब पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि उनका फ्रेंड जो है वो मैन जो है उसकी साइकिल को हिलाता है, तो इसके लिए वो जो लड़का है वो उसको क्या करता है, डिसअप्रूवल देता है, तो कौन कौन से सेंटेंसेस से पता चल रहा है उसको आपको यहाँ राइट डाउन करना है। इफ़ नॉट ही वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द बाईसाइकिल या टू द मशीन, वॉट डज इट रेफर्स टू, इट किसके लिए रेफर हुआ है यहाँ पर, इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस, है ना, इट यहाँ पर किसके लिए रेफर हुआ है कि
जो सेंटेंस है इसमें इट किसके लिए रेफर, इट रेफर्स फॉर द लॉस ऑफ द बियरिंग, यानी जो बियरिंग अगर गुम गई, लॉस हो गया, तो फिर ये जो साइकिल है वो नहीं बन पाएगी। तो ये हमारा कुछ पार्ट था, और जो सेकेंड पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे चैप्टर का। ये देखिए बाईसाइकिल फिर से ये रिपेयर भी करेंगे इस पार्ट में, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसका क्या क्या है।